तो गाइज स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है आपको, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे तो स्टीयरिंग व्हील का हाइट आप इस लीवर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। एंड बात करें अगर इसकी सीट की, सीट को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। सो सीट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो फॉर योर ड्राइव कम्फर्ट। तो हे गाइज वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक ड्राइव रिव्यू क्रेटा SX का। तो इट्स बीन 1 ईयर कि मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, और ऑलमोस्ट हर लॉन्ग रूट में मैं इसको लेके गोवा भी गया हूँ, मैं इसको लेके केरला भी आता हूँ, मैं बैंगलोर में रहता हूँ। तो टुडे आई थॉट आई विल डू अ ड्राइव रिव्यू फॉर यू गाइस। ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने ये गाड़ी चलाई है, तो आज अपन देखेंगे कि इसका ड्राइव परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स जा रहे हैं अभी, वी आर गोइंग टू त्रिशूर। गाइज इस कार में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इनबिल्ट मिलता है म्यूजिक सिस्टम में, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, वो आपको लगवाना पड़ता है, बट इनबिल्ट आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। प्लस ड्राइवर असिस्टेंस के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको इसमें क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो आई जनरली यूज़ क्रूज कंट्रोल, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो आज हम वही यूज़ करके जाएंगे। तो हैंडलिंग की जब बात करते हैं गाइज, इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग के लिए इजी है ये गाड़ी। जैसे अभी आप देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्मूथ है इसका, एंड कर्व्स और पे आपको बॉडी रोलिंग भी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है इस कार में। तो एज एन लाइक SUV टाइप अगर आप देखें इस गाड़ी को, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, ड्राइव परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइव परफॉर्मेंस आपको इस गाड़ी में मिलता है। सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं इस गाड़ी के, तो जब भी आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं या लॉन्ग जर्नी में जाते हैं तो आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ बाइंग एन SUV एंड बाइंग क्रेटा। अगर ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स की इसमें अगर बात करें, तो आपको ऑटो हिल होल्ड असिस्ट फीचर देखने को मिल जाता है, जगह अगर आप किसी ढलान पे खड़े हैं तो गाड़ी जो है 1 से 2 सेकंड के लिए उसी पोजीशन में रहेगी, ताकि आप जो है गियर चेंज कर सकें या फिर आप ब्रेक से स्टार्ट कर सकें गियर एंगेज करके। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, एंड ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपके ड्राइव परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, ड्राइव एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं इस नई क्रेटा में। तो दोस्तों एक और अच्छा फीचर इस गाड़ी में ये है, वो है क्रूज कंट्रोल। तो मान लीजिए आप ऐसे हाईवे पे चल रहे हैं और अभी मैंने क्रूज एंगेज कर दिया है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों पैर फ्री हैं, बस मुझे स्टीयरिंग में हाथ रखना है एंड आराम से गाड़ी उसी स्पीड पे चलती रहेगी। और आप क्रूज का स्पीड आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, अभी ट्रैफिक आ गया तो मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा। तो क्रूज का जो स्पीड है आप यहाँ से पॉज और प्ले कर सकते हैं क्रूज को। तो आपने एक बार जब अपनी स्पीड सेट कर ली, जैसे मैंने अभी 80 पे स्पीड सेट कर रखी है, तो आप इस एरो बटन की मदद से उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे ही आप एक बार ब्रेक दबाएंगे तो क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा बहुत ही हेल्पफुल फीचर है जब भी आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हो। तो इसका एक रीजन भी है कि आप टायर्ड नहीं होते बिल्कुल भी जब आप चलाते हो लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं अभी मैं क्रूज करके चला रहा हूँ, और यहाँ पे अभी जैसे ट्रैफिक आया तो मैंने ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, एंड क्रूज डिसएंगेज हो गया। अब वापस क्रूज करना है तो मैंने ये रेज्यूम बटन दबाया, तो अपने आप ऑटोमेटिक क्रूज वापस से स्टार्ट हो गया। तो इस बटन की हेल्प से आप जो है क्रूज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए 62 पे चल रहा है, मैं इसको कम कर दूंगा अभी, तो 58-55 हो गया अभी। तो इस हिसाब से आप जो है क्रूज की मदद से अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। इन केस अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं एंड ट्रैफिक इतना नहीं है, तो क्रूज कंट्रोल की हेल्प से आपको बहुत हेल्प होती है कि थकान नहीं होती थी बेसिकली जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। बाकी बात करें इसके माइलेज की, तो अप्रोक्सीमेट अभी आप जैसे देख रहे हैं 12.5 का माइलेज है, 12.5 का माइलेज आपको दिख रहा होगा मीटर में। तो ये ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं आप क्रूज कंट्रोल करके जाते हैं, तो स्पीड अगर आप एक जैसी मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रूज कर रहे हैं 70 से 80 की स्पीड में, तो काफी अच्छा जो है आपको माइलेज भी मिल जाता है। इस क्रेटा एग्जीक्यूटिव में आपको ऑलमोस्ट 14 से 15 का माइलेज मिल जाता है लॉन्ग रूट्स पे, जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे इतना मिल जाता है आराम से, तो काफी अच्छा है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू ड्राइव का, कंफर्टेबल है, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले डेस्टिनेशन में, तो कंफर्टेबल कार है, एंड फैमिली के लिए अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा भी रहता है। तो गाइज ये था ओवरऑल ड्राइव रिव्यू अपनी Hyundai क्रेटा का।
तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए जो कि पावरफुल हो एंड कंफर्टेबल भी हो, तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।